गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे और खैर खरीद से होंगे। और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। आज की जो मेरी रेसिपी है, मैं बनाने लगी हूँ चिकन चावल। ठीक है, 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, इनको जो है मैंने भिगो दिया है। सबसे पहले शामिल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी मैं। प्याज शामिल करेंगे, 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने। प्याजों को जो है हमने लाइट ब्राउन कर लेना, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। इसमें शामिल करते हैं टमाटर और सब्ज मिर्चें कटी हुई, लहसुन भी शामिल कर देंगे इसमें कूटा हुआ। मसाला जो है हमारा भुन चुका है, इसमें शामिल करते हैं चिकन। चिकन को जो है हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन हमारा जो है वो 40% भून चुका है। इसमें शामिल करते हैं 1 चम्मच बिरयानी मसाला। साबुत जीरा भुना हुआ, सूखा धनिया, एक चम्मच सुर्ख मिर्चों का, हाफ चम्मच नमक का, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। फिर से हम इसकी जो है वो भुनाई करेंगे। चिकन हमारा जो है वो भुन चुका है। इसमें शामिल करती हूँ 3 स्लाइस कटे हुए नींबू के। अभी पानी शामिल करेंगे इसमें। चावल हमने लिया है 1 किलो, पानी इसमें जाएगा 2 किलो। ठीक है, 2 कटोरे जो है वो पानी के शामिल कर रही हूँ इसमें मैं। 1 कटोरा जो है वो चावलों का था और 2 कटोरे जो पानी के शामिल कर रही हूँ इसमें। ठीक हो गया, पानी जो है बॉयल आना शुरू हो गया है। ठीक है, चावल शामिल करते हैं इसमें। कवर कर देते हैं ऊपर से। चावलों से पानी हमारा जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, बस इसको जो है वो दम पे लगाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें जो है ना फूड कलर डालते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको कवर कर देते हैं ऊपर से। अभी जो है 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम जो दम पे लगा देंगे चावलों को। ठीक है, अभी जो है मैं बना रही हूँ रायता।
रायते में मैं डाल रही हूँ टमाटर, सब्ज मिर्चें और प्याज। ऊपर धनिया शामिल कर देंगे। चले जी, रायता भी हमारा रेडी हो चुका है। तो गाइस चावल देखे हमारे कितने अच्छे टेंडर हो चुके हैं। अभी जो है इसको डिश आउट करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।